तरह से एशिया कप के अंदर इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत हुए थे, उसी तरीके से वर्ल्ड कप के भी, वर्ल्ड कप कह रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत, और इंडिया जो है वो अपने मैचेस होम ग्राउंड में खेले या वो यूएई दुबई के अंदर अपने मैचेस खेले। क्या मतलब कि होम ग्राउंड यानी इंडिया के अंदर अपने मैचेस खेले या यूएई के अंदर अपने मैचेस खेले, ये इंडिया की तरफ से पेशकश आई है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाएंगे तो काफी सारी टीमें बीच में काम खराब करेंगी, और साफ सी बात है अगर इंडिया पाकिस्तान आएगी तो चैंपियंस ट्रॉफी तो फ्लॉप हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का आते, देखिए उस टाइम पे मैं इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए ये एसीसी है, अगर आईसीसी के अंदर ऐसा कुछ हो तो फिर हम बात करेंगे, फिर हम एक्शन लेंगे। अभी पाकिस्तान का काम है, जैसे कहते हैं ना, एशिया कप को छोड़ के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया के अंदर आई, इंडियन जल्दी से, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है वर्ल्ड कप और एसीसी का इवेंट है एशिया कप, तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को खेलने इंडिया आना चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूं कि वो जो जर्नलिस्ट हैं जो ये बातें कर रहे थे कि आईसीसी का इवेंट है, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप जो आया था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके अंदर यही कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस खेलेंगे, तो अब ये बड़ा बड़ा मसला बन चुका है। देखना यह कि क्या होता है आगे जाके, क्योंकि फिलहाल यहां से नजर आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी बड़े ज्यादा खतरे के अंदर आ रही है। आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए, ये एक्चुअली आईसीसी बने, जब ये पहले टीसीसी भी होती थी, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, इसको चाहिए एक्चुअल आईसीसी क्रिकेट बने और किसी को साइड ना दे। जब चैंपियनशिप की ट्रॉफी की बात आती है, मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो नहीं आना चाहते हम इंडिया नहीं खेले, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। फिर बात आई कि जी $72 million की बात, मैं कह जी $72 million ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इज्जत और गैरत, हिंदुस्तान आपको इस तरह कर रहा है कि हमने इनसे नहीं खेलना, हम इनसे वहाँ नहीं खेलेंगे, और भाई तुम कौन हो, हम पाकिस्तान है, हम खेलेंगे अपने उसके टर्म्स के साथ, हम आपके टर्म्स के साथ नहीं खेलेंगे, अगर आपने नहीं खेलना ना खेलो, हमारे पास दूसरे मुल्क हैं उनके साथ खेलेंगे। हमने अपना एक नेशनल इंटीग्रिटी एंड नेशनल रिस्पेक्ट का स्टैंड लेना है, हमने गिरना नहीं है पैसों की वजह से। हर इंडियन क्रिकेटर वॉन्ट्स टू प्ले विद अस, बिलीव मी, डिस्पाइट द फैक्ट जब हम पहले नहीं खेलते थे, हमारे साथ सब लीग्स में खेलते थे, काउंटी में खेलते थे। क्यों नहीं आ सकता भारत, किस वजह से नहीं आ सकता, जब ऑस्ट्रेलिया आ चुका हुआ है, न्यूजीलैंड आ चुका हुआ है, इंग्लैंड आ चुका हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पीएसएल के सारे सीजन यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहे हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं जान बूझ के किया जा रहा है, ऐसी कोई थ्रेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल सकता है तो वाई नॉट इंडिया। और यहाँ पे तो हर जहां पे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब इंडियन टीम आएगी तो पाकिस्तानी टीम से ज्यादा इंडियन टीम के लोग जैसे कहते हैं तारीफें कर रहे होंगे और उनको प्यार दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट किया जा रहा है, इतना अर्सा गुजर गया इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, यहाँ पे आप अगर स्टेडियम में मैच खेल रहे होंगे पाकिस्तानी प्लेयर पे चौका मार रहा होगा, इतना शोर नहीं लग रहा होगा जितना इंडियन प्लेयर का चौका मार के शोर लग रहा होगा। ये चीज को आपको समझना पड़ना है और आना पड़ना है। रही बात इस चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान को इस हक को पूरा लेना चाहिए। मैं चाहूंगा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी इस चीज के ऊपर एक सख्त जिसको कहते हैं ना अपना स्टैंड लें और इसको पूरा करके दिखाएं और ये करवाएं, किसी भी तरीके से सख्त हो जाए, कड़े कड़े फैसले करें, किसी के दबाव के अंदर ना है, और आईसीसी को बीच में लेकर आए कि आईसीसी श्योरिटी जो आईसीसी ने दी थी उसको पूरा करके दिखाए। और रही बात मिस्टर जयशाह की, मिस्टर जयशाह वही करते हैं जो पीछे से उनको ऑर्डर आता है, जिसको कहते हैं ना बड़ी, जिसको कहते हैं पार्टी का जो ऑर्डर आता है वो वही करते हैं। तो हम किसी भी सूरत में अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आपको अगर ये इवेंट करवाना है तो आप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा सकते हैं, अदरवाइज हमने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजनी है। अब यही चीज मोहसिन नकवी ने, जब पता चला मोहसिन नकवी को, मोहसिन नकवी ने फौरन से एक्शन लिया और वो जो है आईसीसी के ऑफिशियल से मिलने गए हैं भाई, और वहां पर वो ये डिमांड रखेंगे कि भाई बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई को बोले कि लिखकर हमें दें कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में भेजेगा, क्योंकि हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी तैयारी करने जा रहे हैं और तैयारी ये होगी कि हम स्टेडियम्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं। यानी कि पीसीबी का कहने का मकसद यह है कि हम जो है स्टेडियम्स को तैयार करने जा रहे हैं, यह ना हो कि हम स्टेडियम्स को तैयार कर लें भाई और उसके बाद इंडिया जो है वो अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में भेजे ही ना, और चैंपियन ट्रॉफी भी हमें जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत करवानी पड़े। तो सबसे पहली बात यह कि आप इंडिया से पूछ क्यों रहे हैं कि जब आप आएंगे तो हम जो है वो स्टेडियम्स को तैयार करेंगे। यार चैंपियन ट्रॉफी हो या ना हो, कोई आए ना आए, आपको कम से कम अपने स्टेडियम्स पे काम तो करना है। क्या आप चैंपियन ट्रॉफी अगर नहीं होगी तो आप जो स्टेडियम्स पे काम नहीं करेंगे। मीटिंग से जो हासिल होना था कि शायद जय शाह साहब के साथ मुलाकात हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौकफ रखे और कोई बर्फ पिघलाने की कोशिश की जाए, मगर अब इंडियन मीडिया से खबर जी आ रही है कि जय शाह साहब तो आ ही नहीं रहे इस मीटिंग के लिए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो मुलाकात जाहिर है किसके साथ कर पाएंगे। जो उनके जनरल मैनेजर आ रहे हैं गौरव सक्सेना साहब, उनके साथ जाहिर है इस लेवल के ऊपर बातचीत हो नहीं सकती, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो तो डिसीजन मेकर हैं, मगर जीएम बीसीसीआई जो है ऑफकोर्स वो डिसीजन मेकर नहीं है। जय शाह साहब होते तो वो कोई ना कोई उनको ठोस बात या कोई ना कोई बात को आगे बढ़ाई जा सकती थी, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए आईसीसी के लिए है वो ऑलरेडी दुबई के अंदर मौजूद है, मगर जो कल मीटिंग होनी है उसके लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है वो आज रात जा रहे हैं, और जब ब्लॉग देखेंगे हो सकता है वो वहां पहुंचे।